अनमोल टीचर्स पर आज हम बात कर रहे हैं अध्यापक कालिंग फार्म के एक और अपडेट को लेकर। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, यह अध्यापक कॉलिंग फार्म प्रत्येक शिक्षक को भरना अनिवार्य होता है। इसमें एक समस्या आ रही है, जब आप किसी भी अभिभावक या छात्र का डाटा फीड करते हो तो अंत में पूछा जाता है कि वो ऑन ट्रैक है या ऑफ ट्रैक। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा कोई एजुकेशन से संबंधित नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आइए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, जब हम अध्यापक कॉलिंग फॉरम ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये पेज ओपन होता है। ऑन ट्रैक या ऑफ ट्रैक को जानने के लिए सबसे पहले ये निर्देश पढ़ना अनिवार्य है। हर शिक्षक एक दिन में कम से कम 5 विद्यार्थियों के साथ फोन से जुड़ें। विद्यार्थियों से बात करने के दौरान जो बिंदु ध्यान में रखने हैं वो ये हैं, उन्हें समय सारणी के हिसाब से कार्य पुस्तक एवं पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने व हल करने को कहें। उनके साथ मिलकर हफ्ते की पढ़ाई की योजना बनाएं, उनकी आशंकाओं का समाधान करें और साप्ताहिक योजना, पिछली काल में दिए गए होमवर्क की जानकारी के उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो साथियों, ये जो बिंदु है इसको ऑन ट्रैक और ऑफ ट्रैक के लिए जानना अति आवश्यक है। हम जानते हैं ऑन ट्रैक और ऑफ ट्रैक के बारे में। देखिए मित्रों, यहाँ लिखा हुआ है, कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए जिस विद्यार्थी अभिभावक से आपने बात की है वह ऑन ट्रैक पर है या ऑफ ट्रैक पर है। और ये लिखा हुआ है समय सारणी के अनुसार, यानी कि आपने जो समय सारणी निर्धारित की हुई है, जो समय सारणी बच्चे को दी गई है, उस समय सारणी के अनुसार अगर वो कार्य कर रहा है तो वो ऑन ट्रैक होगा, और अगर उस समय सारणी के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा है, वो पीछे है या आगे है, तो वो ऑफ ट्रैक कहलाएगा। साथियों, ये हुआ ऑन ट्रैक और ऑफ ट्रैक। इस प्रकार से हम ऑन ट्रैक या ऑफ ट्रैक वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आशा करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए अनमोल टीचर्स को एजुकेशन संबंधी वीडियो तुरंत पाने के लिए।